सनाज रसोई को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकॉन है घंटी का निशान, उसे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आज के इस एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ प्याज की फूली फूली कचौरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप बहुत ही आसानी से हलवाई जैसी कचौरी घर पे बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फूली फूली बनेंगी। आप मेरी तरह से बनाएंगे तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी इसको आप किस तरह से फूली फूली और एकदम क्रिस्पी सी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है 2 कप, और अब इसमें मैं 1/2 चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। उसको हाथ में क्रश करके इस तरह से रब करके डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इसके साथ नमक 1/2 चम्मच, और अब इसमें मैं 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, और अब इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से रब करेंगे दोनों हाथों से, जिससे ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आटे के अंदर। ये देखिए इस तरह से करना है, और इसको इस तरह से हाथ में लेके देखेंगे मुट्ठी बांध के, अगर ये बाइंड हो रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, और इसमें और ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह से बाइंड ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लें और फिर से मिक्स कर लें। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद लेंगे। आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा ही लगाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो अभी आटे को मैं रेस्ट करने के लिए रखूँगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और अब हम प्याज की कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो 1/2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, बड़ा चम्मच, और उसको गरम कर लिया अच्छी तरह से। इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं, और बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च ऐड कर ली है मैंने इसमें। हमें ये थोड़ी सी चटपटी सी बनानी है तो मैंने यहाँ हरी मिर्च भी ऐड कर ली है। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और 1 चुटकी हींग ऐड कर दी है मैंने इसमें। और अब मेरे पास ये बॉयल आलू हैं, 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने हाथ से क्रश करके ऐड कर लिया है, और जो मोटे चंक हैं उनको मैं स्पून की हेल्प से इस तरह से मैश कर लूँगी। तो ये मैश हो गए हैं, और अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, 2 छोटे चम्मच मैंने बेसन ऐड कर लिया है। और अब बेसन को भून लेंगे थोड़ा सा आलू में मिक्स करके, 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए भून लेंगे। तो बस हमारा बेसन अच्छी तरह से भून चुका है, और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है प्याज। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है ऑमलेट कट में, और मैंने 1 चम्मच लिया है क्रश किया हुआ धनिया, सूखा धनिया, साबुत धनिया है ये, और इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच। ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अब हम इस प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ मिक्स करते हुए। फ्लेम को हाई कर लेंगे थोड़ा, और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और इसमें अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला पाउडर ऐड कर लें। तो 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है, और अब इसको मिक्स करके हम फ्लेम को हाई करके चलाते हुए इसको भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है, और ये प्याज देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। तो ये भी कुक हो चुकी है, और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे फ्लेम को ऑफ करके।
तो अब ये मैंने स्टफिंग ठंडी कर ली है और अब इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। इस तरह से जितनी स्टफिंग आप भरना चाहते हैं पहले आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, इससे ईजी रहता है कचौरी में स्टफिंग भरने में। तो ये मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, तो मैंने ये थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी स्टफिंग कम डाल सकते हैं। और अब आटे को हम इस तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंद लेंगे दोबारा से। तो इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी जो कचौरियाँ हैं बिल्कुल खस्ता सी बनेंगी, बहुत ही अच्छी सी बनेंगी। तो बस आटा हमारा तैयार हो गया है, 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरह से इसे गूंद लें दोबारा से। और अब इसके हम छोटे छोटे पोर्शन में काट लेंगे इसमें से। तो एक चाकू की हेल्प से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैं थोड़े बड़े बड़े कट कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं कचौरी बनाऊँगी तो इसमें से काफ़ी सारा आटा निकल जाएगा। तो मैं इतने बड़े ही पेड़े इसके बना रही हूँ, जिस तरह से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी साइज़ के मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से इसकी भी बॉल्स बना के रखेंगे। ये मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं और अब इसमें से हम इस तरह से कचौरी बनाएंगे। इसको इस तरह से शेप देंगे कटोरी की दोनों अंगूठों से, इस तरह से बीच में से इसको पतला करेंगे और एक कटोरी की शेप में ले आएंगे। इसको बीच में से इसको अच्छा सा पतला करना है और उसके बाद स्टफिंग भरनी है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये काफ़ी मोटी लेयर है, तो इसको हम इस तरह से क्लोज करेंगे और ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसको निकाल देंगे। तो बस इस तरह से थोड़ा सा और निकाल देंगे और बस इसको क्लोज करेंगे, दोबारा से इसको गोल करेंगे और उसके बाद इस तरह से हथेली पे फैला लेंगे और एक कचौरी की शेप में इसको बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये 3 कचौरियाँ बना ली हैं, बाकी की भी इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए इसमें से काफ़ी आटा निकल गया है और ये काफ़ी पतली हो गई है। तो इसी तरह से मैं बाकी की कचौरियाँ भी बना लूँगी। तो देखिए मैंने सारी कचौरियाँ बना ली हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए और ये आटा बच गया है हमारा, तो इसकी मैं बाद में बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इतनी कचौरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। तो हम इन कचौरियों को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, हल्का सा गर्म हुआ है ऑयल और उसमें हमने कचौरी ऐड कर ली है। और 2-2 कचौरी करके मैं पहले इसको फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी इस तरह से करके। तो बस मैं इसको हाफ़ फ्राई कर रही हूँ और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह से फ्राई करने से आपकी कचौरियाँ बहुत ही फुली फुली बनेंगी। तो इसको एक बार आप आधा कच्चा फ्राई करके निकाल लें और उसके बाद फिर हम दोबारा से फ्राई करेंगे। तो अब की बार हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छा गर्म है और उसके बाद हमने इसमें कचौरियाँ ऐड कर ली हैं और अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। और इसमें मैं एक साथ कई काफ़ी सारी कचौरी ऐड कर रही हूँ, तो इस बार हम इसमें काफ़ी सारी कचौरी ही ऐड करेंगे जिससे ये अच्छी तरह से फूल पाएंगी। एक दूसरे के दबाव के कारण ये बहुत अच्छी तरह से फूल पाती हैं। तो इस तरह से इसमें आप 4, 5, 6, 7 जितनी भी आ सकती हैं आपकी कढ़ाई में उतनी आप इसमें कचौरी डाल देंगे। देखिए धीरे धीरे फूलना शुरू हो गई है। तो ये जो टिप्स है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हलवाई की टिप्स है। आप इसे फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ बिल्कुल फुली फुली बनेंगी। तो ये देखिए हमारी कचौरी कितनी फुली फुली बनी हुई है। तो इसको सिर्फ आपको याद रखना है, एक तो लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और पहले कचौरी को कच्चा पक्का फ्राई करना है और उसके बाद एक साथ काफ़ी सारी कचौरी डाल के कढ़ाई में फिर फ्राई करनी है आपको। तो बस इस ट्रिक से आप बनाएंगे आपकी कचौरी बहुत ही फुली फुली बनेंगी। और ये हमारी कचौरी बनके रेडी हो गई है और इसको अब निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया इस पर,
तो बस हमारी प्याज की कचौरी बन के रेडी हो गई हैं। आप इस तरह से बनाइए कचौरी, आप ये इफ्तार में भी बना सकते हैं, आप जब भी आपका कचौरी खाने का मन करे आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही फुली फुली और बहुत ही क्रिस्पी सी कचौरी बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ सही से। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है हमारी कचौरी। तो आप इस तरह से घर पे कचौरी बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।